मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज की क्लास में हम अपना पार्ट पहला और दूसरा उसके जो इनका दोनों पार्ट का रिवीजन भी पूरा हो चुका है। पार्ट तो पहले ही पूरे कंप्लीट हो गए थे और उनका रिवीजन भी करवा दिया मैंने आपको। तो अब इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन प्रश्न बनाती हूँ इस तरीके से, मैं आपको एक, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे ना लगे कि आपके लिए बिल्कुल नए नहीं हो क्वेश्चन, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न बना रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। जैसे है यहाँ पे 25,000 पहला जो प्रश्न है उसमें मैं लिखती हूँ 25,000 5 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये जैसे प्रश्न ऐसे आ सकता है, इसके जैसे ऑप्शंस, पहला ऑप्शन ऑप्शन ब, ऑप्शन स, ठीक है, पहला प्रश्न इस तरीके से। दूसरा प्रश्न भी मैं बनाती हूँ, जैसे शब्दों में किस प्रकार वो शब्दों किस प्रकार लिखेंगे या लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन में आपका है 9,800, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ब 29,817, ऑप्शन स 19,817, ठीक है। तीसरा प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, मैं आपके जो मैंने अभी तक जो भी आपके करवाए हैं ना उसी से उसी के हिसाब से प्रश्न बना रही हूँ। जैसे 10 इकाई मिलकर क्या बनता है, या कितनी दहाई बनती है, क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है 10 इकाई मिलकर, मैंने जिस ऑप्शन में दिया 1 दहाई, ऑप्शन ब में लिखा मैंने 10 दहाई, ऑप्शन स में लिखा 1 सैकड़ा, ठीक है। अब चौथा प्रश्न जैसे ले लिया मैंने 10 दहाई मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी पहला ऑप्शन मैंने लिखा 10 दहाई मिलकर 10 इकाई बनाती है, और 1 सैकड़ा बनता है या 1 दहाई बनता है,
इसके अलावा पांचवा जो प्रश्न बंद, मैं आपको ये समझाने के हिसाब से बना रही हूँ कि इस तरीके से आपके प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हैं 30,855 की पूर्ववर्ती संख्या क्या रहेगी आएगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको ऑप्शंस है 30,856, ऑप्शन ब है 20,856, स है 30,800। तो अब एक बार हम इसके उत्तर देख लेते हैं, या मैंने प्रश्न बता दिया आपको, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके पार्ट एक और दो से। तो जैसे पहला प्रश्न है 25,005 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, और भी बन सकते हैं, मैं तो एक बार आपको समझाने के हिसाब से बता देगा 25,005 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये है देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो 2,505 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये भी हजार दोनों है, ये भी हजार में है, 1,000 में है, ये 10,000 में है, ठीक है। संख्या तो दोनों हजार वाली है ना, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 25,000, फिर लास्ट में 5 लिखा हो, तो 25,005 ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न आ जाता है, इसको हम शब्दों में किस प्रकार पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, दोनों हजार वाली संख्या है तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 19,817। तो यहाँ पे 19,817, ये तो 19 है, ये तो 29 है, 19,817 क्या उत्तर होगा इसका सही उत्तर, सर। तीसरा प्रश्न, 10 इकाई मिलकर क्या बनती है, मैंने आपको बताया एक इकाई सबसे छोटी होती है, 10 इकाई का मतलब एक से ही गुणा करना होता है, तो 10 × 1 मतलब क्या होगा इसका उत्तर, 10 ही आएगा। तो 10 इकाई मिलकर क्या बनती है, एक दहाई, एक दहाई का मतलब 10 ही होता है ना, 10 दहाई मिलकर क्या बनती है, 10 × 10, ये तो पहले से 10 लिखा हुआ, दहाई का मतलब भी 10 ही होता है, तो 10 को 10 से गुणा करते तो क्या आता है, 100 आता है, तो 100 मतलब एक सैकड़ा, ठीक है। ये है इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या रहेगी, 30,800। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, पहले आने वाली, पूर्व का मतलब पहले आने वाली संख्या, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 30,854 हो जाएगी। अब ऐसे ही इसी संख्या से ऐसे भी पूछा जा सकता था, इसकी परावर्ती संख्या क्या रहेगी, परावर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या, ठीक है। इस प्रकार से पाठ जो दूसरा है उससे आरोही और अवरोही क्रम वाले, और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, वैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आरोही का मैं एक बार वापस बता देती हूँ, आरोही क्रम में हम संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं, और अवरोही में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखते हैं, और बाकी हम अपनी और अगली क्लास में हम एक बार और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। सो सब एक बार स्टूडेंट इन सब प्रश्नों को अच्छे से अपनी रफ कॉपी में इनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।